हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी कटहल, जिसे मैंने इस तरीके से छीलकर काट लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम इसे एक कुकर में डाल देंगे। इसमें हम 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। इसका ढक्कन बंद कर देंगे। गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 सीटी लगने देंगे। तो अब 1 सीटी लग चुकी है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर खत्म होने देंगे। तो अब कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है। अब हम कटहल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने इसे मिला लिया है। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया है। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके कटहल का पीस डालेंगे। जब लगे कि ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम इसे पलट देंगे और इसे हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए कटहल को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सभी को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इस तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता। जीरा को हम चटकने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4 बारीक कटी हुई प्याज। इसे हम मिला लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो अब प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम मिला लेंगे और इसे हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। डेढ़ चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, मिला लेंगे इसे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे।
फ्लेम को हम लो रखेंगे और मसालों से तेल अलग होने तक इसे भूनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चलाते रहेंगे। तो अब मसालों से तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे। मिला लेंगे इसे और इसे हम मसालों के साथ एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अब एक मिनट पूरा हो चुका है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मिला लेंगे इसे अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे। मिला लेंगे इसे। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप भी इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।